खबर रीवा से। रीवा के निराला नगर बस्ती में बीते कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा श्वान के 16 बच्चे को बोरी में भरकर सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया गया था, जिसके बाद पास से गुजर रही एक युवती ने उस श्वान की बच्ची को अपने घर में रख लिया तथा अब सोशल मीडिया के माध्यम से वह इनके पालकों का इंतजार कर रही है। युवती की मदद से श्वान के बच्चों को सहारा मिल गया और 16 बच्चों में से 5 बच्चों को पालक भी मिल गया। इसके अलावा 11 बच्चों का अभी भी पालक का इंतजार में बैठी है। शहर में बेजुबानों से क्रूरता का मामला सामने आया है। अज्ञात शख्स ने श्वान के 16 नवजात बच्चों को बोरे में भरकर सड़क के किनारे मरने के लिए फेंक दिया। भूखे प्यासे पिल्लों के विलाप से लोगों को इसका पता चला। एक युवती इन्हें सुरक्षित अपने घर पर ले गई और देखभाल शुरू कर दी। इस दौरान युवती की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें उसने मार्मिक अपील की थी और उस मार्मिक अपील से द्रवित होकर 5 लोग सामने आए और श्वान के बच्चों को पालने के लिए घर ले गए। वहीं 11 को अभी भी दया का इंतजार है। जानकारी के अनुसार वाक्य शहर के वार्ड 9 निराला नगर मोहल्ले का है। सरदार पटेल छात्रावास के समीप बोरे में भरकर श्वान के बच्चों को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। समीप ही रहने वाली तनुश्री सिंह को जानकारी लगी तो दया दिखाते हुए बोरी खोलकर श्वान के 16 बच्चों को बाहर निकाला और अपने घर ले आई। बताया गया है कि श्वान के इन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका जन्म हाल ही में हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व के जन्म के बाद इन बच्चों को मां से दूर कर दिया। तनुश्री सिंह ने कहा कि श्वान के 16 बच्चों को घर ले आई हूं। श्वान के ये बच्चे काफी छोटे हैं और इनको अभी देखभाल की आवश्यकता है। जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं वे इनको सहारा दें। सोशल मीडिया पर मैसेज डालने के बाद 5 को लोगों ने गोद ले लिया है। वहीं अब भी 11 बच्चे पालक का इंतजार कर रहे हैं। कहाँ गई मम्मा? मम्मा कहाँ गई? कौन छोड़ा? मुझको पुलिस को कर देंगे। इतने खूबसूरत से कितने हैं ये? देखिए ना, कितने खूबसूरत है, कितने सारे हैं ये। ये 7 तो ले गए, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। आप जल रहा होगा इनका भी पैर। नहीं नहीं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरा नाम तनुश्री है, मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ अभी। आपको कहाँ से मिले? जी ये सरदार पटेल हॉस्टल है, उसके पीछे से जो प्रधानमंत्री आवास जो नया बन रहा है वहाँ पे किसी ने बोरे में डाल के इनको रखा था। तो अगले दिन हम लोग जब सुबह रात में किसी ने डाला रहा होगा, तो वो अगले दिन सुबह जब मम्मी और दीदी लोग टहलने गए तो वहाँ पर उन्हें दिखा। फिर हम लोग खाना लेके गए जब, तो वहाँ पे देख रहे थे कि रोड में घूम रहे हैं वो और गाड़ी वाहन वहाँ से आ जा रहे हैं। तो हमको लगा कि ये मतलब उनके लिए खतरा हो सकता है और बच्चे परेशान भी कर रहे थे, तो हम उन्हें वापस वहाँ से उठा के धीरे धीरे 4-4, 5-5 करके लेके आए अपने घर। फिर यहाँ खाना पीना और वो सब, और एडॉप्शन के लिए हमने लोगों से अलग अलग जगह डाला सोशल मीडिया में। तो ये हुआ कि कुछ लोग आए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग फीमेल्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो उनको बस नहीं कर रहे। मेल चले भी जाएंगे तो फिर फीमेल्स बच जाएंगी, तो आप लोग फीमेल्स भी अडॉप्ट करिए जिससे उनको हेल्प हो। जी 16 बच्चे थे जिनमें से अभी 9 बचे हुए हैं। पैसों के लिए इंसान इतना वो गया है कि पैसों के लिए वो और ब्रीड जो बड़ी ब्रीड है उन्हें पैदा कर रहा है कि पैसे कमा सके और उन्हें रख सके। वो रुतबे के लिए उन्हें रख रहे हैं। वो कोई एनिमल लवर वैसा नहीं हो सकता कि सिर्फ उन्हें रखे। मतलब आपको अगर पालना है तो देसी भी पालो। और फीमेल का के साथ ये प्रॉब्लम है कि फीमेल इसलिए नहीं रखना चाहते लोग कि फिर उनके भी बच्चे होंगे, पर फीमेल रखने से क्या होगा कि उनके जो वैसी मतलब पॉपुलेशन हो रही है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वो भी कम होगी, उसमें भी कंट्रोल आएगा अगर फीमेल पालना शुरू करेंगे लोग तो। अगर फीमेल बच्चों को कोई अडॉप्ट नहीं करता है तब आप क्या करेंगे? खुद रखेंगे? हाँ खुद रखेंगे। अभी हमारे पास 4 हैं जो मतलब घर पे ऐसे नहीं रहते, क्योंकि इनको थोड़ा मतलब पैक रहना भी अच्छा नहीं लगता। और किसी ने हमें बोला था, पता नहीं ये सही है या गलत,